हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह फिर से आप सभी का एक बार वेलकम करता हूँ हमारे भारत शिक्षा मिशन 2021 में। टैली प्राइम का जो आज का चैप्टर है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी कि आज से आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे के सारे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉस कैटेगरी एंड कॉस सेंटर। सो गाइस, सबसे पहले कॉस कैटेगरी एंड कॉस सेंटर के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्यों टैली प्राइम ने, पहले टैली ERP 9 हमने पढ़ा, टैली प्राइम में तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने टैली ERP 9 नहीं पढ़ा तो अब तो उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, अब टैली प्राइम पे ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स एक्सपेंसेस को अलग अलग हेड में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या इनकम्स को अलग अलग हेड में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर मल्टीपल्स वाला वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप सभी ICL क्लासेस में फिर से आपका एक वेलकम है और मैं राहुल सिंह योर ट्रेनर। आज की क्लास में हम टैली प्राइम में आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था टैली प्राइम में कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर पार्ट 1, और आज मैंने एक कंपनी बनाई है कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर पार्ट 3 के नाम से। सो गाइज, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो है, मे बी शायद अभी किसी ने ये अपलोड तक भी नहीं करी है, तो पूरा का पूरा आपके पास चांस है टैली प्राइम सीखने का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर को समझने के लिए सबसे पहले हम असाइनमेंट्स के थ्रू इसको समझेंगे। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट बनाया हुआ है। कंपनी ने एक एक्सपेंस किया है 60,000 का, इशू किया एक चेक एक्सिस बैंक का, ठीक है, किसको, यूनाइटेड एडवर्टाइजिंग को, राइट। डेट मेंशन कर लेते हैं, और देखिए ये तरह तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पे इन्होंने क्या किया है, खर्चा किया है। देखिए, फिजिकल एडवर्टाइजमेंट, उसके अंडर न्यूज़पेपर के अंदर भी क्या है, टेलीग्राम और टाइम्स ऑफ इंडिया पे 8,000-8,400 रुपये खर्च किए। इसके बाद होर्डिंग पे और बैनर पे, यानी कि टोटल मिला के 23,500 तो इन्होंने फिजिकल एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए हैं, और अगर मैं बात करता हूँ डिजिटल एडवर्टाइजिंग की तो 36,500 इन्होंने डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे खर्च किए हैं, वो भी FM में, रेड FM, बिग FM पे खर्च किया पैसा, वेबसाइट पे खर्च किया, और टेलीविजन में स्टार प्लस और जी सिनेमा पे। तो ये हमारे सारे के सारे सेंटर्स हैं, और मेन इसकी जो कैटेगरी है वो है गाइज यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना है कि भाई ये असाइनमेंट्स कैसे होगा, इसको कैसे किया जाए। तो आइए जरा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली में मैं चलता हूँ, सारी चीज बनाएंगे यहाँ पे, फीचर्स इनेबल करते हैं। तो फीचर इनेबल करने के लिए कंपनी में यहाँ पे फीचर्स की विंडो दी गई है, राइट, या आप F11 प्रेस करके फीचर्स की विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा इनेबल कॉस्ट सेंटर, आप जैसे इसको यस करेंगे और कंट्रोल ए करके आप इस विंडो को सेव कर दीजिए। नाउ इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, आपका मास्टर में क्रिएट में आना है, और क्रिएट में यहाँ पे आपको शो मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो मोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी दोनों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको कैटेगरी बनानी है, यहाँ पे हमें कैटेगरी बनानी है, क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा, और कैटेगरी का जो नाम है वो है एडवर्टीजमेंट। जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट बनाएंगे यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, आप इसको यस कर दीजिए, यानी कि जो कैटेगरी थी वो हमारी बन चुकी है। अब हमें सेंटर बनाने हैं, और यहाँ पे ही हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कॉस्ट को एलोकेट करना है अलग अलग हेड में। तो कॉस्ट सेंटर पे चलते हैं, सबसे पहले आपसे कैटेगरी पूछेगा। तो गाइस, कैटेगरी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, तो एक ही हमारी कैटेगरी है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारे के सारे सेंटर बना रहा हूँ, एक एक करके बनाएंगे सारे। तो सबसे पहला क्या है, ये ऐसी तरह से चलते हैं, फिजिकल एडवर्टीजमेंट, ओके। फिजिकल एडवर्टीजमेंट अंडर प्राइमरी रखिएगा, क्योंकि फिजिकल एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी किसके अंडर आ गई, एडवर्टीजमेंट के अंदर, ओके। इसके बाद अगला क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर, मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया। न्यूज़पेपर अब किसके अंडर आएगा, तो स्पेस बार दबाइएगा, ये हमारा आएगा किसके अंडर, फिजिकल एडवर्टीजमेंट के अंदर। इसको ले लीजिएगा, इसको एक्सेप्ट करिएगा, हाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद द टेलीग्राफ और द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पे बनाया द टेलीग्राफ, ये किसके अंडर आएगा, ये आएगा हमारा न्यूज़पेपर के अंडर,
और द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी हमारा किसके अंडर आएगा, न्यूज़पेपर के अंडर। चलिए ये भी बन गए। इसके बाद देखिए क्या है, होर्डिंग एंड बैनर। अब इनके ये दोनों हेड किसके अंदर आएंगे, फिजिकल एडवर्टीजमेंट के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया होर्डिंग, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को देखते रहिए तभी समझ में आएगा ये पूरा का पूरा केस। ये मैंने डाला किसके अंदर, फिजिकल एडवर्टीजमेंट के अंदर। और उसके बाद बैनर, ये भी मैंने किसके अंदर डाल दिया, फिजिकल एडवर्टीजमेंट के अंदर। ओके चलिए, यानी कि एक पार्ट हमारा जो ये फिजिकल एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट था, ये हमारा का पूरा कवर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके पास, डिजिटल एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। डिजिटल एडवर्टीजमेंट किसके अंडर जाएगा, एडवर्टीजमेंट के अंदर। ठीक है, मैंने यहां लिखा डिजिटल एडवर्टीजमेंट। ओके, ये हमारा प्राइमरी रहेगा, मैं यहां पे इसको सेव कर देता हूं। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एफएम रेडियो, मैं यहां पे एफएम रेडियो बनाता हूं। प्रॉपर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें, एफएम रेडियो ये हमारा किसके अंडर आएगा, ये हमारा आएगा डिजिटल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल, ये डिजिटल एडवर्टीजमेंट। अब इसके बाद रेड एफएम और बिग एफएम, यहाँ पे मैं बनाया रेड एफएम। रेड एफएम किसके अंडर जाएगा, ये हमारा जाएगा एफएम रेडियो के अंदर। और यहाँ पे अगला क्या बनाएंगे, बिग एफएम। बिग एफएम हमारा किसके अंदर जाएगा, एफएम रेडियो के अंदर। ठीक है, चलिए ये दोनों हेड बन गए। इसके बाद वेबसाइट अलग से बोल रहा है, वेबसाइट देंगे, वेबसाइट हमारा जाएगा डिजिटल के अंदर ही, क्योंकि उसका कोई और अनदर वो नहीं है, हेड नहीं है। और यहाँ पे टेलीविजन बोल रहा है, स्टार प्लस और जी सिनेमा, तो यहाँ पे टेलीविजन, टेलीविजन किसके अंदर जाएगा, डिजिटल एडवर्टीजमेंट के अंदर। ओके, इसके बाद स्टार प्लस और जी सिनेमा, तो मैंने यहाँ पे बनाया स्टार प्लस। स्टार प्लस किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा हमारा टेलीविजन के अंदर। ये भी किसके अंदर जाएगा, हमारा टेलीविजन के अंदर। ओके चलिए, यहां तक हमारे सारे के सारे जो थे ये सेंटर्स जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आइए जरा एक बार, अगर इनको देखना है तो आप ऑल्टर में आके यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और इनको सबको देख सकते हैं। देखिए ये सारे के सारे हमारे बन गए, गॉट इट। ठीक है, कैटेगरी देखनी है तो यहाँ पे ये रही हमारी कैटेगरी बन चुकी है, तो यहाँ से आप अगर कोई चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हैं। यानी कि हमारे कॉस्ट सेंटर भी बन गए, कॉस्ट कैटेगरी भी बन गई। अब फाइनली क्या करना है, हमें एंट्री पास करनी है कितने, 60,000 रुपीज की एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक। तो वाउचर में चलते हैं, पेमेंट वाउचर में, यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। क्या बनेगा, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अंडर जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट, और आप इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अब कितने, यहाँ पे 60,000। तो जैसे ही आप यहाँ पे 60,000 डाल के एंटर करेंगे तो ये आपसे कैटेगरी का पूछेगा, भाई 60,000 रुपये इसकी मेन कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी है आपकी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, राइट। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो गाइज यहाँ सबसे सोच समझ के लेना है कि भाई ये 60,000 रुपये कैसे एलोकेट किए गए। तो गाइज आपको सबसे मेन हेड पे जिसपे खर्चा हुआ है वो ही लेना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 23,000 टोटल था ये, लेकिन 12,000 न्यूज़पेपर पे, लेकिन उसमें भी किस पे, टेलीग्राफ और टाइम्स ऑफ इंडिया पे 8,000 और 4,000 रुपये खर्च किए, तो हमें ये दोनों हेड लेने हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने द टेलीग्राफ, इस पे 8,000 रुपये खर्च किए गए, और द टाइम्स ऑफ इंडिया इस पे हमारे 4,000 रुपये खर्च किए गए। ठीक है, वो ऊपर नीचे हो गया, कोई सुनिए, ठीक है। होर्डिंग पे 9,000 रुपये और बैनर पे 2,500 रुपये, इसको भी लेंगे। ये रहा होर्डिंग, इस पे 9,000 रुपये खर्च किए गए, और बाकी पे जो बैनर है हमारे उस पे हमारे 2,500 रुपये खर्च किए गए। तो देखिए 23,500 टोटल आ गया, यहाँ पे 23,500 हमारा टोटल आ गया। अब चलते हैं और एक्चुअल में किस पे खर्चा हुआ है, रेड एफएम और बिग एफएम पे। तो मैंने यहाँ पे लिया रेड एफएम, कितना हुआ है रेड एफएम पे, 7,500 रुपये, और बिग एफएम पे हुआ है हमारा 8,000 रुपये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिग एफएम दिया और यहाँ पे 8,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, वेबसाइट पे कितना हुआ है, 3,000 रुपये। तो ये रहा मेरा वेबसाइट, इस पे कितना, 3,000 रुपये। आगे क्या कह रहा है, टेलीविजन में स्टार प्लस और जी सिनेमा 10,000 और 8,000।
तो यहाँ पे स्टार प्लस ले लेंगे, ये रहा हमारा 10,000 रुपये, और जी सिनेमा ये रहा हमारा ऑटोमेटिकली 8,000। तो देखिए टोटल हमारा 60,000 आ गया गाइस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, जिस पर एक्चुअल में खर्चा किया गया है गाइस उसी हेड को आपको लेना है, उसी सेंटर को आपको लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप कैश या बैंक बना के यहाँ से एंट्री क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं एक्सिस बैंक अंडर बैंक, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लीजिएगा अच्छे से, और मैंने इसको एंट्री को सेव कर दिया। नाउ फर्स्ट स्टेप हमने इनेबल किया, असाइनमेंट के थ्रू हमने समझा, सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम रिपोर्ट पे चलते हैं, तो रिपोर्ट में डिस्प्ले, डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे कैटेगरी समरी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप जब आप देखेंगे तो ऑल्ट एफ वन करके अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये तो ऑलरेडी डिटेल है, अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहीं पे आप एफ ट्वेल्व कीजिएगा, और एफ ट्वेल्व में देखिए यहाँ पे अगर आप अल्फाबेटिक वे में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी शॉर्टिंग मेथड है ये, शॉर्टिंग के थ्रू देखना चाहते हैं तो शॉर्टिंग के थ्रू देख लीजिए, ठीक है, या चलिए इसको तो मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि डिटेल में देखना है तो एक्सपेंड ऑल लेबल इन डिटेल फॉर्मेट, आप इसको क्या कर दें, यस कर दें। यस करने के बाद आप इसको सेव कर दें, तो देखिए गाइज यहाँ से आपकी जो वो रिपोर्ट है वो बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब इसी को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहां से प्रिंट की कमांड दीजिए, करंट प्रिंट करना है, ठीक है, और यहाँ पे प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख लीजिए भी, ऐसा प्रीव्यू दिखेगा जेड, और जूम करने के लिए ऑल्ट जेड इसकी शॉर्टकट की। तो गाइज ये हमारा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का क्राइटेरिया, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। इसी तरह से मेरी वीडियोज देखते रहिए और फ्री लर्निंग करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय गाइज।